लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शिंदे, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। तुम्हारे गांव का टेंडर इस साल हमें मिल गया है। 200 करोड़ रुपए का हाईवे रोड कॉन्ट्रैक्ट जो है, तुमसे बस 3 लाख रुपए कम के फर्क में हमारे गणेश कंस्ट्रक्शंस के मालिक सुनील नाथन ने ले लिया है। दो सौ करोड़ रुपए का एक इतना बड़ा रोड कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 लाख रुपए के फर्क की वजह से गणेश कंस्ट्रक्शन के हाथ में चला गया। ये गलत बात है। अब उसके हाथ पांव तोड़कर किसी भी तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट हमें अपने नाम पर करवाना होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट समझिए बस हमारे हाथ में आ ही गया मालिक। हाँ, उन्हें इस गाँव में घुसने भी मत देना। जाओ और उनसे छीन कर वो कॉन्ट्रैक्ट ले लो। We'll be right back.
तुम्हारा मालिक कहाँ है? आप कौन है? क्या चाहिए? फोन लगा। हेलो सर, इंजीनियर कुमार बोल रहा हूँ सर। हमारे स्टाफ की गाड़ी रोककर कुछ लोग हाथापाई कर रहे हैं सर, मुझे डर लग रहा है। कौन है वो लोग, क्या चाहिए उन्हें? ये लोग कौन है, इन्हें क्या चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। आप ये जल्दी आइए सर। तुम हो कहाँ? हम लोग अपनी नई वाली साइट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है सर। ठीक है, मैं पहुँचता हूँ। सुनील। अरविंद, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम अमेरिका से यहाँ पर पहुँचे कब और यहाँ कैसे? सोचा तो था घर पहुँचकर सबको सरप्राइज दूंगा, रास्ते में ये गुंडे औरतों के पीछे भागते हुए नजर आ गए। उन्हें सही रास्ता दिखा रहा था मैं, छोड़ता कैसे उन्हें। तुम अब भी स्लिम और ट्रिम दिखते हो। देखो यार, मैं मोटा होकर अच्छा नहीं लगूंगा, तुम पतले अच्छे नहीं लगोगे। वेलकम टू इंडिया। थैंक यू। ये सब मेरी कंपनी के स्टाफ हैं। जैसे ही सुना कि गुंडे ने धमका रहे हैं, मैं यहाँ पहुँच गया, लेकिन तुमने इन्हें पहले ही बचा लिया। ये नहीं आते तो हम मारे जाते। ये इंडिया आ गए हैं, अब देखना ये क्या करते हैं। पर तुम्हारी वो ब्यूटीफुल वाइफ गंगा सुनील नाथन कहाँ है? यही है भाई। मैडम, हेलो। हेलो गंगा, कहाँ चली गई? यही तो थी।
मैं तो डर ही गया था। क्यों भाई, पिछली बार जिस गंगा से तुमने मिलवाया था वो तो भोली भाली शरीफ सी थी, ये इतनी शरारती कैसे हो गई? दरअसल हम इनकी शरारतों पर ही तो मर मिटे थे। गुड गुड, चलो घर चलते हैं। तुम लोग इसमें चलो, मैं उसका आता हूँ। हमने माँ की इजाजत के बिना शादी कर ली और अब वैटियापुरम जा रहे हैं, वो बहुत नाराज है, तुम ही उन्हें समझाओ। डोंट वरी, मैं बाबूजी से मिल के आता हूँ। ठीक है। बाबूजी, आज मैं एक मनोचिकित्सक बन पाया हूं तो बस आपकी वजह से। मैं तो अनाथ था, मुझे पाल पोस कर आप ही ने इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं जिंदगी भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आज आप हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी हमारे दिल में हमेशा मौजूद रहेंगे। माँ प्रणाम। खुश रहो। वाह बेटा अरविंद, तो आज फुर्सत मिल गई यहाँ आने की। पूरा एक साल हो गया, एक फोन तक नहीं किया तुमने। अब तो बहुत बड़े डॉक्टर हो गए हो ना। ऐसी बात नहीं है माँ, अब कुछ दिनों के लिए मैं इंडिया छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ रहकर थोड़ी मस्ती करूंगा और सबको खुश कर दूंगा मैं। दूसरों को तो तुम खुश कर दोगे, लेकिन मेरे मन की उदासी कौन दूर करेगा? उदासी मैं दूर कर दूंगा, उसकी आप जरा भी चिंता मत कीजिए। अरे मैं बोली ही नहीं और तुम जान गए, कैसे बेटा? माँ, ये आपके चेहरे को देखकर आपके मन की बात बता सकता है। ये सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, he is also an expert mind reader. अगर ये ऐसा नहीं होता ना तो ये दूसरों के मन की बीमारी कैसे बता पाता? ठीक है, चुप रहो। ये कोई बड़ी बात नहीं है माँ, अभ्यास से कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है। खैर ये सब छोड़िए माँ, आप ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में अगर सुनील वेटियापुरम जाकर रहता है तो इसमें परेशानी क्या है? तुम नहीं जानते बेटा, मैंने सोचा था इसकी शादी इसके पिताजी के परिवार में ही किसी से करके टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ लूंगी, पर इसने भी वही किया, उन्हीं की तरह लव मैरिज कर ली। मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही है? उस घर में रहने वाली सरस्वती को तुम नहीं जानते, उस सरस्वती से तो उसके अपने सगे भाई तक डरते हैं। वो काफी खतरनाक है, वो जरूर गंगा को परेशान करके बदला लेने की कोशिश करेगी। पर माँ, मैं उनके घर पर नहीं रहने वाला हूँ। तो और कहाँ रहोगे तुम? मैंने उस गांव के वेट्यापुरम महल का सौदा कर लिया है, मैं वहीं रहने वाला हूँ। क्या हुआ माँ? मैं बचपन से ही उस महल के बारे में बहुत कुछ सुनती आ रही हूँ, खतरनाक है वो। 50 साल से कोई भी उस महल को खरीदने के लिए नहीं गया, तुम पागल हो जो उसे खरीद रहे हो। आप सुनील और गंगा की चिंता छोड़ दीजिए, मेरे होते हुए उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं आज ही वहाँ उस गांव में जाकर आपके रिश्तेदारों से मिलता हूँ और बात करता हूँ, साथ ही उस महल के बारे में भी पूरी पूछताछ कर लूंगा, और तब फैसला कीजिएगा कि ये दोनों वहाँ रह सकते हैं या नहीं। रे 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 रे, क्या ऐसी आवाज निकालती हो, कभी तो प्यार से बुलाया करो, हमेशा अलार्म की तरह आवाज निकालती हो। तो देखिए कितनी सारी गाड़ियां हमारे घर की ओर आ रही है। आइए आइए, अंदर आइए। भैया ये कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, अपनी बड़ी बेटी प्रिया के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। दरअसल बात यह है कि इस घर का कोई भी फैसला हमारी दीदी ही किया करती है। प्रिया को हमने जन्म जरूर दिया है पर उसका पालन पोषण किया है हमारी दीदी ने। आप जरा बैठिए, मैं उनसे पूछ कर आता हूँ। मैं जिसे चाहती थी उससे कस्तूरी ने शादी कर ली, फिर भी जिस दिन कस्तूरी ने अपने बेटे सुनील के लिए प्रिया का रिश्ता मांगा तो दुश्मनी भुलाकर मैंने तय किया कि वही इस घर का दामाद होगा। ठीक है। अरे वो लोग कहाँ चले गए? दीदी की ये बात सुनते ही उन सबकी कार अबाउट टर्न हो गई। अबाउट टर्न? शादी हुए 8 साल हो गए। इन 8 सालों में मैंने आपके मामा के परिवार में से किसी को भी अब तक नहीं देखा। 30 साल पहले बिछड़ा हुआ परिवार इस शादी में अब एक होने वाला है, वहाँ सबसे मिलोगी तुम। ओ मेरी बात सुनो। ओ सुन दूले राजा, जल्दी आ जा, आ जा। Yeah.
देवर देवरे ये हमारा देवा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा देवा, हाँ देवर देवरे ये हमारा देवा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा देवा, ये अपने संग है संग हम पे इन्हीं का रंग, देखो चढ़ा है रे चढ़ा, ये अपने संग है संग हम पे इन्हीं का रंग, देखो चढ़ा है रे चढ़ा, ताली बजाओ मिलके सारे, इनको बताओ मन मेरे हो, देवर देवर ये हमारा देवा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा देवा, ना मिलेगा रुपया रे, ये काम ना करे तो रोटी ना मिलेगी, गाओ गाओ देखो रे सड़े गाओ भैया, करो मेहनत हर कोई मेहनत ही जीवन रे, मेहनत से किस्मत चमके, कब इनकी तरह कोई काम क्या करेगा रे, मुझको ये मालूम है जी, इनका मालिक ऊपर वाला वो किस्मत का खोले ताला, मैंने ताली बजाओ मिलके सारे ओ, इनको बताओ मन मेरे ओ, देवर देवर ये हमारा देवा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा देवा, ओके बारे कोई कुछ भी बोले, मैं इस कान सुनो इस कान से निकालो, किसी की न मानू रे मैं तो इतना जानू, है तू ही हर दिल में है हर जगह तू, तो पता सबका पता रखता है हर दम, करने का फल कभी मिलेगा, हाँ सुनो सुनो रे ये तो सच है वचन, आज नहीं तो कल मिलेगा, सच्चाई का चांद चमके सच्चाई का हाथ पकड़ के मंजिल पे पहुंचेंगे, अरे हाँ ताली बजाओ मिलके सारे, इनको बताओ मन मेरे, देवर देवरे ये हमारा देवा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा देवा, ये अपने संग है संग हम पे इन्हीं का रंग, देखो चढ़ा है रे चढ़ा, रिपीट, ये अपने संग है संग हम पे इन्हीं का रंग, देखो चढ़ा है रे चढ़ा, शाबाश ताली बजाओ मिलके सारे हो, इनको बसाओ मन मेरे हो, दूल्हे राजा कब पहुंचेंगे कैसे पहुंचेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं करूं तो क्या करूं, हे ये बैलगाड़ी में बैठकर कौन पागल हमारे घर पर आ रहा है, कौन है ये बैलगाड़ी में, ए, 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 अरे तुम यहीं पे रुको, सुना नहीं तुमने, यहीं पे रुक जाओ, रुको, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, क्यों बे, एक बड़ा आदमी तुझे रुकने के लिए बोल रहा है और तू बैलगाड़ी लिए अंदर ही घुसता चला रहा, नो 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 छोड़ो उसे, हेलो कौन हो तुम और दामाद जी के रास्ते में तुमने अपनी बैलगाड़ी क्यों खड़ी कर दी, चेन्नई से मैं कस्तूरी, हेलीकॉप्टर से इंट्री क्यों,
रही थी आपके चुपके से बैलगाड़ी में, क्या बात है। देखिए मैं आपका दामाद नहीं हूँ। बिल्कुल सही, शादी होगी तभी दामाद बनोगे ना, शादी से पहले कैसे बनोगे। मजाक है, मजाक है। मैं आपका दामाद नहीं हूँ, दरअसल मैं तो आपके होने वाले दामाद जी हैं। सही। हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, मैं सुनील का दोस्त अरविंद हूँ। फोन पर पूरी बात बताने से पहले ही फोन कट गया था। रोड कॉन्ट्रैक्ट के काम से मेरा बेटा वहाँ आने वाला है, वो आपके यहाँ रहने से शर्मा रहा है, वो बहाने बना सकता है, उसका विश्वास मत कीजिएगा। एक हफ्ते पहले ही आपकी माँ ने ये बातें फोन पर मेरी दीदी को बता दी थी, और उनकी ये सारी बातें दीदी ने मुझे बता दी। इस वक्त वो पिया को अपने साथ लेकर मंदिर गई हैं। तो दामाद बाबू, अब आपका रील होता है स्टॉप। मजा अच्छा, मजा चाहिए क्या, चला पटाखे। अरे दामाद जी कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए? मेरी पत्नी भी गायब है। माफ कीजिए, मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है। मुझे भी। किधर गए हैं? तुम्हें देखकर एक सिस्टर की फीलिंग हो रही है। आपको देखकर मुझे भी ब्रदर वाली फीलिंग हो रही है। फीलिंग? क्या फीलिंग हो रही है? दामाद बाबू, ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, इसकी मुझसे शादी हो चुकी है और ये मेरी पत्नी है। शादी के 8 साल बाद भी हमें बच्चा नहीं हुआ तो क्या, कम से कम तुम इस तरह अपनी फीलिंग्स तो मत बदलो स्वर्णा। अरे अरे, स्वर्णा की गोद 8 साल से सुनी। आपने कैसे जाना कि मैं क्या सोच रहा था, नाम भी जान गए। आप तो एकदम श्रीदेवी दिखती हैं। बस आप भूल रहे हैं, ये है माई वाइफ। दामाद जी, छोटे मामा से क्या बातें कर रहे हैं, उसके चक्कर में मत पड़िए आप, आइए इधर। बाय। ये कैसा दामाद है, मेरी ही बीवी के पीछे पड़ गया, ये इसकी तारीफ क्यों कर रहा है। तारीफ कर रहा। दामाद जी देखिए, सुनिए, इतनी दूर से बैलगाड़ी से आए हैं, थक गए होंगे, अब जाकर स्नान कीजिए और आराम कीजिए। क्या है, एक तरफ क्यों लेकर जा रहा है? देखिए इसे वापस भेज दीजिए। वापस? हाँ, इसे यहाँ से तुरंत दूर भगाइए, अगर इसे यहाँ रहने दिया तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, ये जान लीजिए। बकवास करता है। बकवास करता हूँ, लगता है इसने हमारी बातें सुन ली हैं। अब क्या है? मेरा यहाँ रहना आपको पसंद नहीं है ना? यहाँ आते हुए वेटियापुरम महल के बारे में कई लोगों से जानकारी लेनी चाहिए, किसी ने कुछ नहीं बताया, डरकर बताने से मना कर दिया। हाँ तो देखिए, अगर आप मुझे वेटियापुरम महल तक ले चलेंगे तो यहाँ नहीं रहूंगा मैं, वरना वरना हाय यहीं रहूंगा मैं। ले चलूंगा, लेकिन तुमने जो कहा वैसा ही करोगे ना तुम? कहता हूँ वो करता भी हूँ, दोनों एक ही बात है। तो फिर चले, तू अंदर जा, अंदर जा। इस महल का तो नाम सुनकर ही डर लगता है। दामाद जी, यही है वेटापुर महल, देख लिया ना, अब वापस चलते हैं। साइकिल छोड़िए। साइकिल आप चलाएंगे? आइए अंदर। दामाद जी, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर अंदर नहीं जाऊंगा, आपके कहने से यहाँ तक आ गया, मुझ जैसे शरीफ आदमी को जबरदस्ती खींचकर अंदर ले जा रहे हैं आप। मैं अंदर नहीं जाऊंगा दामाद जी। शराफत से लाता तो अंदर नहीं आते, जबरदस्ती खींचने से ही अंदर आए हो तुम। क्या? हाँ तुम। तुम बोला? हाँ तू। क्या बोला? इतने बड़े होकर तुम डर रहे हो तो पूजा करूं तुम्हारी? गाली दोगे तो भी नहीं जाऊंगा। हाँ, इस छोटे घर में कौन रहता है? मैं नहीं बताने वाला। माली और उसकी पोती यहाँ पर रहते हैं। वो लोग यहाँ रहते हैं और तुम डर रहे हो? बाहर ही रहते हैं, अंदर कभी नहीं जाते। पर हम लोग जाएंगे। दामाद जी, आप अंदर जाइए, मैं वापस घर जा रहा हूँ। हे, वो वहाँ ऊपर क्या चल रहा है? पेंटिंग चल रही है। ओ, तो पेंटर्स रहते हैं यहाँ पर? एक ही रहता है, गोपाल नाम है, वो 1 महीने से कर रहा है। एक आदमी 1 महीने से अकेले अंदर रह रहा है और हम दोनों महल में जाने से डर रहे थे? दूसरे गाँव का है, सच्चाई जानते ही कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देगा। दहाड़े इतना अंधेरा है। महेश, इस महल की हिस्ट्री तुम्हें मालूम है? हिस्ट्री मतलब इतिहास ना। इस महल में रहने वाले 50 साल पहले यहाँ से भाग गए, अब कोई बेवकूफ इसे खरीद कर पेंटिंग करवा रहा है। पेंटिंग से लिपापोती तो कर सकता है, लेकिन अंदर से भूत को नहीं भगा सकता। अब यहाँ से चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। अंदर नहीं, बाहर, यहाँ मरे हुए हाथी पड़े हैं। हाथी नहीं, भैंसे हैं। क्या भैंसे? अंदर क्या है महेश? सुना है भूत रहते हैं अंदर। भूत रहते हैं? पिशाच रहते हैं अंदर। बेवकूफ। और बताओ, 1-30 फीट लंबा सांप भी रहता है अंदर, और इसीलिए अपना गोपाल है ना गोपाल।
एक बार तुमने हिम्मत करके 4 बजे के बाद भी काम करके देखा तो उस दिन यहाँ हर चीज टूट टूट करके गिरने लगी, एक एक चीज अपने आप गिरने लगी। वो दिन और आज का दिन, तब से गोपाल यहाँ बिल्कुल नहीं रुकता, अब इतने डरपोक इंसान को। दामाद जी कहाँ गए? दामाद जी, दामाद जी, दामू, ये अचानक कहाँ गायब हो गया? दामाद जी, लगता है मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। मैं बाहर कैसे जाऊंगा? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना है मुझे, क्या करूँ? अरे गोपाल, कहाँ हो तुम? गोपाल, 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 मुझे इस तरह अकेला छोड़ दिया? अरे कोई है? चुप हो जाओ एजी। देख 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 भाई, देख मुझे देख भाई, महेश भैया को देखो, एक बार देख लो, देख भाई, कुछ तो बोलो मेरे भाई। क्यों दामाद जी, उस भूत वाले महल में जाने से मना किया था ना इसने, अब देखिए अरेस्ट होकर जाते हुए जिस तरह से बड़े लोग हंसते हैं वैसे ही ये भी खड़ा हंस रहा है, अब इसका क्या करूंगा मैं? है? हाँ दीदी, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ क्या हो रहा है? नमस्ते माँ जी, मैं सुनील का। सुनील कहाँ है? इस घर का होने वाला दामाद कहाँ है? जब मैंने सुना कि तुम बैलगाड़ी में सवार होकर यहाँ आए हो तभी मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे दामाद नहीं हो, क्योंकि उनका बेटा इस तरह कभी नहीं आता। सही कहा माँ जी, आते ही मैंने सबसे कहा कि मैं इस घर का दामाद नहीं हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, एक ने भी नहीं मानी, लेकिन आपको तो अंदाजा हो गया। आई रियली अप्रिशिएट इट। माँ जी, आपके दामाद ने इस गांव का वो पुराना वाला महल खरीद लिया। यस, उसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। आपके दामाद का बचपन का दोस्त हूँ, मेरा नाम है अरविंद। कभी नहीं, बेटियापुरम महल को खरीदने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगी, क्योंकि उस महल को खरीद कर सिर्फ सुनील को ही नहीं हमारी बेटी को भी परेशानी होगी। माँ जी, अब मैं आपको कैसे बताऊँ, बात यह है कि दामाद जी आपकी बेटी से शादी लो वो खुद ही आ गए, बिल्कुल अपने पिता पर गया है। दामाद, अच्छा हैं? प्रिया, प्रिया इधर आओ, तुम पूछती थी ना तुम्हारे होने वाले पति कैसे दिखते हैं, वो खुद यहाँ आए, जल्दी आओ देखो। ये कौन है? ये है वो गंगा, मेरी बीवी। माँ जी, इनकी माँ की तो यही इच्छा थी कि इनकी शादी इसी घर में हो, पर अचानक हालात कुछ ऐसे हो गए कि मजबूर होकर सुनील को गंगा से शादी करनी पड़ गई। ये क्या सुंदर, कितने बड़े बड़े घरों से मेरी बेटी के रिश्ते आए थे, उन सबको ठुकरा दिया हमने, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब तो भगवान ही तय करते हैं कि किसका रिश्ता किससे होना है, हमारे हाथ में क्या है पापा। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बात, तुम वाकई बहुत ही समझदार हो, हाथ हाथ मिलाओ मुझसे। हाथ हटाओ। मेरी शादी का सुनकर आप सबको दुख हुआ होगा, फिर भी आज आपसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं हम, मुझे माफ कर दीजिए, चलते हैं हम। किधर? वैट्यापुरम महल को हमने खरीद लिया है, आज से वहीं पर रहेंगे हम लोग। उस महल में? अरे नहीं नहीं क्यों, जब उसे देखकर ही मैं इतना घबरा गया था,
तो तुम सही सलामत कैसे रह पाओगे? मामा आप भी कैसी दक्यानुसी बातें कर रहे हैं। देखो बेटा सुनील, मेरी बात मानो, तुम भले ही तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली है, उसके बावजूद तुम्हें उस महल में हम नहीं रहने देंगे। अब वहाँ मत जाओ बेटा। मामा यहाँ आने से पहले हम दोनों उस महल में अच्छी तरह घूम कर आए हैं। छोटे मामा जैसा बता रहे हैं वहाँ वैसा कुछ नहीं है। बेटा हम सब तुमसे गलत नहीं कह रहे हैं। 40 साल से मैं वहाँ माली का काम कर रहा हूँ, पर आज तक उस महल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। कोई तो वजह होगी बेटा। बिल्कुल, कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी कि 50 करोड़ का महल सिर्फ 5 करोड़ में बेच दिया गया। लेकिन आपकी बातें यकीन के लायक नहीं है। मेरी पत्नी गंगा किसी छोटे घर की नहीं बल्कि किसी महल की मालकिन होनी चाहिए, इसीलिए मैंने उस महल को खरीदा। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो हम निपट लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। एकदम ठीक। उस महल में आराम से रहो। क्या देख रहे हो? मैंने पहले कहा था कि उस महल को मत खरीदो, और अब कह रही हूं कि वहीं पर रहो। और सुनो, यही नहीं बल्कि सुनील का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक हम सब लोग वहीं पर रहने वाले हैं। अरे रे रे। सुनो, अगर सिर्फ ये दोनों वहां रहने गए और इन दोनों को कुछ हो गया तो इसकी माँ ये सोचकर हमसे जरूर नाराज हो जाएगी कि सुनील ने हमारी बेटी से शादी के लिए मना किया, इसलिए हमने इन दोनों को वहां रहने दिया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हम सभी लोग सब कुछ खत्म होने तक वहीं पर रहेंगे। दीदी। शुक्रिया माँ जी, आशीर्वाद लो। रुको सुनील। क्या हुआ? अभी नहीं, सब खत्म होने के बाद ही, यानी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हम सब एक साथ सरस्वती देवी का आशीर्वाद लेंगे। इस महल में पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। विधि के विधान का खेल क्या है मुझे तो बस यही देखना है। देखो बेटा सुंदर, सिर्फ दीदी के कहने की वजह से हम लोग यहाँ रहने नहीं आए हैं। इस भयानक महल में तुम दोनों अकेले परेशान हो जाओगे, ये सोचकर हमने यहाँ रहने का फैसला किया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक के लिए हम यहाँ रहें, उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन है बताइए। हम में से कोई भी पीछे वाले महल में जाने की कोशिश भी नहीं करेगा, खास तौर से दक्षिण वाले कमरे की तरफ कोई नहीं जाएगा। आपने हमारे साथ यहाँ रहने का फैसला किया तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? हम किसी भी हालत में उस तरफ मुड़कर भी नहीं देखेंगे, क्या मामा जी? अच्छी बात है, चलता हूँ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? इन लोगों ने बैठे बिठाए मुसीबत क्यों मोल ले ली? यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं होगा, एक साथ इकट्ठा रहने में ही सबकी भलाई है। महेश भैया, सीधे साधे नाम में इतना थ्रिल क्यों डाल रहे हो? मेरा गला पता नहीं है मेरे पीछे क्यों पड़ा है, थोड़ा खराब है। महेश हाँ? एक बात बताओ तो, तुम्हारी राशि क्या है? क्यों? अरे बताओ तो यार। मेष राशि। मेष राशि है क्या तुम्हारी? हाँ। हजारों में से किसी एक की होती है ये राशि। हाँ? हाँ? तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, भूतों को बहुत पसंद आती है। जरा संभाल कर, संभाल के कर, आराम से। हाँ हाँ, धीरे रख दो, रख दो। हाँ ठीक है। ये बहुत भारी है क्या? इसे इतने लोग क्यों उठा रहे हैं? ये कोई मामूली पलंग नहीं है, उस जमाने का है, बर्मा टीक लकड़ी का, एक दो आदमी से नहीं उठने वाला। जल्दी से अपनी पत्नी के साथ आओ, कुल देवता के मंदिर जा रहे हैं सब, तुम्हारे पिताजी का मंदिर है। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है। क्या बात है, आप लोग बैलगाड़ी की सवारी कर रहे हैं? ये डॉक्टर अमेरिका से आए हैं और वहाँ बैलगाड़ी की सवारी मिलती नहीं, इसीलिए। नमस्ते बेटा। नमस्ते। कितनी भी मर्सिडीज चलाओ, बैलगाड़ी का मजा अलग ही है। ठीक कहा आपने। क्यों भाई माली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल मेरी पोती वहाँ बच्चों के साथ पतंग उड़ा रही है, उसे लेने आया हूँ। किधर है वो? वो जो सफेद साड़ी में सबसे लंबी लड़की है वही है। सुनील। हाँ। बचपन में पतंगबाजी की थी ना? हाँ की थी। तो चले चले।
मेरा हर जलता है जब कोई तुझको देखे। शुक्रिया तेरा ऊपर वाले, इनसे मिलाया जो तुमने। स्वामी जी, ये हमारे रिश्तेदार हैं, सुनील नाथन। इन्होंने वेट्यापुरम महल को खरीदा है। स्वामी जी, उस महल की बात करते ही सब घबरा जाते हैं। आप बता सकते हैं वहाँ ऐसा क्या है? तो सुनो, करीब 150 साल पहले की बात है, उस महल में वेट्या नाम का राजा रहता था। वो जब भी आता तो अजीब तरीके से आवाज निकालता। जिस चीज की भी इच्छा होती उसे वो हासिल करके ही रहता। बहुत क्रूर था वो। एक बार जब वो आंध्र के विजयनगर शहर गया तो वहाँ की एक नर्तकी चंद्रमुखी की सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसे अपना बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन चंद्रमुखी राजी नहीं हुई। उसने राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वो एक दूसरे लड़के गुणशेखरन को प्यार करती थी, दिल दे बैठी थी। ये जानते हुए भी राजा चंद्रमुखी को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले आया। राजा से छुपकर चंद्रमुखी अक्सर गुणशेखरन से महल के पीछे वाले घर में मिला करती थी। ये बात जब राजा को मालूम हुई तो उसने दुर्गा अष्टमी के दिन महल के अंदर दरबार में चंद्रमुखी के सामने ही उस गुणशेखरन का सिर धड़ से अलग कर दिया और फिर चंद्रमुखी को भी जिंदा जला दिया। मरने के बाद चंद्रमुखी की आत्मा राजा से बदला लेने के लिए भटकने लगी। राजा को जब यह एहसास हुआ तो उसने तांत्रिकों को बुलवाकर 60 दिनों तक पूजा करवाई और चंद्रमुखी की आत्मा को एक लोटे में कैद करके उसे महल में ऊपर दक्षिणी दिशा के एक कमरे में बंद कर दिया। तब से आज तक उसकी आत्मा बदले के लिए वहीं पर इंतजार कर रही है। उस कमरे में एक काफी बड़ा राजनाग भी है। चंद्रमुखी की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो राजा से बदला ना ले ले।
बारह बज गए, यही तो भूतों का वक्त है। आप सब कहां चले गए? ये बेडरूम है या फुटबॉल का मैदान? साइज देख कर ले लिया है? लेकिन सोते हुए दिल का बैंड बजा जा रहा है, बजा जा रहा है। कौन है? स्वामी जी से कहा नहीं क्या? सुन ले, मेरी नींद उड़ गई, क्यों ना एक साथ हम दोनों यहीं पर सो जाएं? नहीं, ये तो ठीक है, साथ कैसे सो सकते हैं? तुम तो एक डॉक्टर हो ना? यस। तो मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? पूछो ना। अच्छा बताओ, भूत होते या नहीं? बताओ, किसी ने देखे हैं या नहीं? भूतों की सच्चाई क्या है ये जानना चाहता हूं। तुम मुझे दो बार क्यों देख रहे हो? इतना ही तो मैं पूछ रहा हूं कि भूत होते हैं या नहीं, और जब वो आते हैं तो क्या होता है? महेश, भूत आने से पहले कई तरह के इशारे होते हैं। इशारे? दूर से कुत्ते की आवाज आती है। सच में? ये आवाज तो बिल्कुल साफ सुन रहा हूं मैं। ये तो शुरुआत है। शुरुआत? और फिर तेज हवा चलती है और पेड़ हिलने लगते हैं। हरी खिड़की डब 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 डब। सच मुझे आवाज सुनाई दे रही है। आगे और भी है। और फिर महकने लगते हैं क्या? मोगरे के फूल, मोगरे के फूल। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी। और खुशबू फैलने लग, बिल्कुल आई मुझे, मोगरे की खुशबू आ रही है। आगे सुनते जाओ, मुझे रोकना नहीं। नो क्रॉस क्वेश्चन। अगर किया ये टेटुआ, टेटुआ फेंक दूंगा निकाल के, समझे? और फिर ये क्या है, ये क्या है? घुंघरुओं की आवाज। ये तो वाकई घुंघरू की आवाज है। दो क्रॉस क्वेश्चन। नहीं तो मैं बता रहा था कि फिर क्या? हर तरफ फैले का धुएं का काला बादल। चूक हो गई। हवा से हिल रही दादाजी की धोती को तुम भूत समझकर डर गए। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा हुआ? मैं डरा? ऐसा क्या? हाँ। हम दोनों तो एक नाटक की प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्यों ऐसे पूछा? दुर्गा। क्या बात है, क्या हुआ? स्वीट नेम। थैंक यू। काफी घमंडी लड़की लगती है, देख लूंगा। ये क्या कर रहा है? एक खूबसूरत लड़की के सामने मेरी इमेज डैमेज करके रख दी, और अब खुद यहां आराम से पड़ा सो रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। शट अप, शट अप। ए, ये सब क्या हो रहा है? सुबह सुबह सारे गामा का शोर क्यों मचा रखा है? संगीत सिखाने के लिए तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली क्या? सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया। रात को घुंघरुओं की आवाज के साथ हंसते हुए डराती हो, सोने नहीं देती हो, और फिर सुबह सुबह बेसुरे कौए की तरह काव काव करके नींद हराम कर देती हो। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ आराम करने आया हूँ और तुम मुझे परेशान कर रही हो। हे तुम लोग, सुबह सुबह ये बेकार का सारे गामा छोड़कर टीवी पर कोई अच्छी सी फिल्म देखो। जाओ सब जाओ, बहुत खूब। और अब सुन लो दुर्गा, ओके, अगर तुम्हें गाना सिखाने का इतना शौक है तो किसी मंदिर में, मठ में या किसी नदी के किनारे जाकर अपना ये शौक पूरा करो, ठीक है? करोड़ों रुपए खर्च करके मेरे दोस्त ने ये महल तुम्हारे गाने बजाने के शौक को पूरा करने के लिए नहीं खरीदा हुआ है। नो 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 नो, कल से ही लोकेशन चेंज। फिर से अगर ये आवाज सुनाई दी तो तुम्हारा और तुम्हारे दादाजी का यहाँ से पैकअप हो जाएगा। एक बात सुनिए,
चाहे कितना भी रोकिए आप, मेरी गाने की क्लास यही चलेगी, कल से और जोरों शोरों से चलेगी। ओके, तो तुमने ये जगह छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है? अगर इस घर में रहने के लिए मुझे संगीत छोड़ना पड़े तो अच्छा है मैं ये घर छोड़ दूं। बेटा वो बिना माँ बाप के अनाथ है, दिमाग से थोड़ी गर्म जरूर है पर दिल से बिल्कुल साफ है। देखो बेटा, जब तक आप लोग यहाँ पर हैं वो यहाँ संगीत की क्लास नहीं चलाएगी, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू। नहीं बेटा ऐसा मत करो, मैं इस बात को समझती हूँ, ऊपर क्या है ये देखने का बार बार मन करता होगा, मगर इस मामले में बड़े बुजुर्गों की बात मानने में ही भलाई है। अब चलो यहाँ से। कौन हो तुम? अच्छा इस वक्त क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? दरअसल नींद नहीं आ रही थी मुझे, तो हवा खाने चली आई। लव हो गया है? हाँ? किसी से प्यार हो गया ना? कैसे जान गए आप? तुम्हारी शक्ल बता रही है तुम किसी से प्यार करती हो। उस दिन जब सुनील तुम्हारे घर आया और तुमने उसे पहली बार देखा तो तुम्हारे अंदर कोई उत्साह नहीं था, तुम बिल्कुल शांत खड़ी थी, उसी वक्त मैं समझ गया था कि तुम्हारे दिल में कोई और है। बताओ कौन है वो? विश्वनाथ, डांस प्रोफेसर, उधर उस घर में रहते हैं। अच्छा वो घर है? गुड सिलेक्शन। उन्हें जानते हैं आप? यस, उन्हें तो जानता ही हूँ, ये भी जानता हूँ कि तुमने ही उसे इस घर में रहने की जगह दी है। उसे बताया कि चाहती हो उसे? हाँ कहा। तो क्या कहा उसने? वो पिताजी से मिलकर बात करेंगे। उन्हें बताया तुमने? मैं डरती हूँ। प्यार करती हो और डरती भी हो, नाम क्या पिताजी का? कुंदन प्रसाद। कुंदन प्रसाद, ए कुंदन प्रसाद, यहाँ बेटी लव कर रही है और आप सो रहे हो क्या? ए मुच्छड़ जल्दी बाहर निकलो। अरे बाप रे, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? खा रही थी बस हवा। हवा खा रही थी, भाग यहाँ से, चलो। हवा खा रही थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? संबंध। संबंध कैसा? प्यार का। प्यार का हो गया? हो गया। सुनो, इस डॉक्टर को अब इस घर से किसी तरह से भगाना ही होगा, तुरंत। हाँ। पहले जब मैंने यही बात कही थी तो आपने कहा था बकवास कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा है उनकी बेटी के पीछे पड़ा है, मेरी बीवी तो बच गई। हाँ। जिसकी शादी नहीं हुई उसे एक टेंशन है बस, जिसकी शादी हो गई उसे हजारों टेंशन है। अब आगे देखो। हुँ? ये रहा 1001वां टेंशन। हाँ। लग गया। कितनी भी दूर से निशाना लगाए निशाना सही लगता है। क्या हो गया दादाजी, 7 बजे आ जाने वाले बच्चे आज 9 बजे तक नहीं आए, क्या बात हुई होगी? वो बच्चे अब नहीं आएंगे। क्यों दादाजी? देखिए भूमि आ गई। क्या हुआ, बाकी सब कहाँ है? वो अंकल है ना जो कल इतना डांट रहे थे, सबको पैसे देकर उन्होंने कहा कि म्यूजिक सीखना वेस्ट है, जाकर फिल्म देख लो, और सभी एक अच्छी सी फिल्म देखने चले गए। उसके वापस जाने तक बेटा संगीत की क्लास बंद रखना बेहतर है। मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है आपको ये बात पसंद नहीं कि वो बच्चे संगीत सीखें और बच्चे म्यूजिक सीखने के लिए ना आ सके, इसीलिए आप उन्हें पैसे देकर उन्हें बहलाकर फिल्म देखने तो भेज सकते हैं, लेकिन उन्हीं पैसों से क्या संगीत को भी खरीद सकते हैं आप? खरीद लिया है। ये हारमोनियम मेरा है। यहाँ जो भी पड़ा है मैंने पैसे देकर खरीदा है, एक्सेप्ट दिस डब्बा। ये बेकार सा हारमोनियम तुम्हारे दादाजी ने मुफ्त में ही दे दिया। संगीत साक्षात सरस्वती है, और बचपन से ही संगीत का हुनर रगों में दौड़ना चाहिए, लेकिन संगीत की कद्र तुम जैसे घमंडी लोग कभी कर ही नहीं सकते।
इस जन्म में तो क्या, 100 जन्म ले लो फिर भी तुम नहीं कर सकते, समझ गए? एक बात सुनो दुर्गा। दुर्गा? ओ दुर्गा, श्राप मत देना नहीं तो बर्बाद हो जाऊंगा। इस डब्बे के लिए इतनी डायलॉग बाजी कर रही हो, नहीं चाहिए, ले जाओ इसे तुम। जिस हारमोनियम को तुमने छुआ है अब मैं इसे कभी नहीं छूंगी। तुम्हारी खुशबू यहाँ फैली है फैली, मैं भी भवरा हूँ तुम हो काली रे काली, बिना भवरे के क्या है काली रे काली, मुस्कुराओ जो तुम तो खिले बगीचे, मस्ती से बढ़ के कोई चीज नहीं रे। அத்திந்தும் திந்தியும் துந்தன திந்தா தினுந்தும் தகதிந்தும் திந்தியும் துந்தன திந்தா தினுந்தும் திந்தா தினுந்தும் திந்தா தினுந்தும் ஏ பூமி ஏ பூமி ஏ பூமி ஏ பூமி मोती मोती मिले मिले मीठे मीठे ओ रब्बा दुख की रात ओ बुरी बात है आओ मेरे साथी कोई गीत गुनगुना भी है गीत चीज ऐसी मन झूमने लगे जी अरे साथी तू भी गाले कोई गीत ये बोलू அத்திந்தும் திந்தியும் துந்தன திந்தா தினுந்தும் தகதிந்தும் திந்தியும் துந்தன திந்தா தினுந்தும் Yeah!
आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। सुपर, जिसे नाचना नहीं आता उसे भी नचा दिया। ये सचमुच बहुत अच्छे हैं। तो मामा जी, क्या राय है मेरे दोस्त के बारे में? ये एक ही समय में 10 लोगों के अलग अलग सवालों के एकदम सही सही जवाब दे सकता है। ये साधारण आदमी नहीं, दशावतार है। उसे क्या देख रही हो? अंदर जाओ, जाओ अंदर, अंदर जाओ, कहाँ ना अंदर जाओ। तुम्हें उधर क्या दिख रहा है? सुपर हीरो। चलो 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 चलो। आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी। कलाकार के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आपके एक ही गाने ने आज मुझे संगीत का अर्थ सिखा दिया है। मुझे माफ कर दीजिए। डॉक्टर अरविंद के लिए मैसेज। अरविंद, ईमेल में तुम्हारे लिए एक मैसेज आया है। कोई गुड न्यूज? सैड 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 न्यूज फॉर मी। क्यों, क्या हुआ? अमेरिका में तुम्हारा कोई पेशेंट बहुत सीरियस है। मैसेज में तुम्हें तुरंत आने को कहा है। तो ये बैड न्यूज है क्या? मेरे लिए तो है। सोचा था एक महीने तुम्हारे साथ खूब मौज मस्ती करूंगा, लेकिन तुम तो 6 दिन में ही लौट रहे हो। सुनील, पेशेंट के लिए डॉक्टर वेट करता है, पर डॉक्टर के लिए पेशेंट वेट नहीं कर पाता। मैं चलता हूं। पर सुनो तो अरविंद। डोंट वरी, एनी प्रॉब्लम, वन कॉल, अरविंद विल अपीयर। वापस जा रहा हूं मैं। वापस जा रहे हो? ये लो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जय हो। अब जाकर मुझे चैन मिला। एक महीने के लिए आया था, 6 दिन में ही वापस जा रहा है। ठीक है, जाइए। करेक्ट। एक महीना रहने वाला 6 दिन रहकर जा रहा है, इस बात की खुशी है। हाँ? लेकिन एक महीने में जो काम खत्म करना था करना था, वो 6 दिनों में निपटा दिया। प्रिया, क्या क्या किया तुमने? प्रिया, हमने उस रात को जो प्यार की बातें की थी, पिताजी को क्यों नहीं बताती हो? प्यार की बातें? डॉक्टर, आपका चश्मा मेरे रूम में रखा इसके था। रूम में? वो बाद में देखते हैं, पहले प्रिया की बात करते हैं। क्यों रे, इतनी हिम्मत की मेरी बेटी के प्यार के बारे में तुम मुझे ही बताओगे? हाँ? अगर आपकी बेटी के प्यार की बातें आपको ना बताऊं तो क्या लोकसत्ता, न भारत, हिंदू एक्सप्रेस, देशोभाय, सहेली पेपर, न्यूज पेपर में जाके छपाऊं? क्यों रे, ये कौन है, कहाँ का है, क्या जात है, ये जाने बिना से प्यार का क्या शुरू कर दिया? सर, इस तरह टेंशन में क्यों आ रहे हैं? उसे प्यार हो गया है कहा मैंने, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि मुझसे हो गया है। प्रिया जिससे प्यार करती है वो है डांस मास्टर विश्वनाथ। विश्वनाथ है वो? हाँ, विश्वनाथ अच्छा लड़का है, आपकी बेटी के लिए एकदम सही है। उस रात मैं प्रिया से उसके इसी प्यार के बारे में बात कर रहा था। अगले दिन विश्वनाथ से भी इस बारे में बात की मैंने। वो प्रिया से शादी तभी करेगा जब आप उसके लिए राजी हो जाएंगे। इस बारे में आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। अहंकार में आकर इस रिश्ते को मत ठुकराइए। आप खुद भी अगर ढूंढेंगे तो ऐसा अच्छा लड़का मिलना बहुत ही मुश्किल है। शादी तय होते ही मुझे इनवाइट करना, आपकी छोटी बेटी के लिए भी। अरविंद जी, आप पहले ही बहुत मेहरबानी कर चुके, अब आप जाइए। सचमुच? सचमुच। मैं किसी को भूल रहा हूं। सुवर्णा। आज जान भी चली जाएगी तो भी अपनी बीवी से बात नहीं करने दूंगा। कमीज तक पहनना नहीं आता है, इससे तो अच्छा था कि ऐसे ही किसी कपड़े को अपने ऊपर डाल लेता। तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी पसंद, मेरे कपड़े, मेरी मर्जी, मेरा पैसा, मैं कपड़े सिलवा कर पहनू या फाड़ कर, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अरे आ गई, क्या दिखती है ये, यहाँ से जाता क्यों नहीं? इसके रहते मैं इसे ठीक से देख भी नहीं सकता। इस वक्त इस मुर्गी को यहाँ आने की क्या जरूरत थी? शायद ये मुर्गी मुझे बहुत चाहती है। इट्स टू मच, ये तो टू मच है। क्या टू मच है? स्वर्णा, नहीं मत बोलो। एक मुर्गी? वो मैंने इसे मुर्गी लाकर नहीं दी, इसलिए शिकायत कर रहा है, समझ रहे हो ना? पर अरे, तुम राजाधिराज हो, दयावान हो, परोपकारी हो, ताकतवर हो, महान हो, अब तो जाओ यहाँ से। क्यों मेरे खुशहाल जिंदगी की बैंड बजाने में लगे हुए हो? अरे जाओ ना यहाँ से, अरे जाओ ना जल्दी से। ये क्या कह रहे थे जी? कुछ नहीं, बस हम दोनों को मुर्गी खाकर सेहत बनाने के लिए। अब क्या है? एक छोटी सी कहानी, जल्दी सुनाओ और जाओ। एक आदमी में उठकर चलने की भी ताकत नहीं है, और उसे 9 बीवियों की इच्छा है। अरविंद, जरा रुको। हाँ गंगा। अच्छा वो आ गई, आप इजाजत दो। एक महीने के लिए आए थे और 6 दिन में जा रहे हो, बोलते हो कुछ, करते हो कुछ। हाँ, बीमारी बताकर तो नहीं आती, ये सब क्या है? रास्ते में खाने के लिए इतना सारा? ठीक से खाना। हाँ, दुनिया में सबसे बड़ी दवा क्या है जानती हो?
क्या है? खाना ही है, लिमिट में खाया जाए तो दवा है, नहीं तो पॉइजन। दरगाह? दुर्गा। ओ यस, जहाँ भी रहता हूँ वहाँ हमेशा लोगों को खुश रखने की कोशिश करता रहता हूँ मैं। तुम्हें भी खुश देखना चाहता था पर शायद कुछ ज्यादा ही ओवर। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो भूल जाना, मुझे मत भूलना। मैं चलूं? चलूं? सॉरी, चलता हूं। दुर्गा, इधर आओ, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। जी, क्या बात है? ये जी कहना बंद करो तुम। गंगा बुलाओगी, मुझे खुशी होगी। ठीक है गंगा, बताओ क्या बात है। मेरे पास बहुत किताबें हैं, वो सब मुझे पीछे की तरफ वाले किसी रूम में रखनी है, तुम मेरे साथ आओगी? उधर नहीं आ सकती, मेरे दादाजी उस तरफ नहीं जाते और मुझे भी उधर जाने के लिए साफ मना किया हुआ है, क्योंकि वहीं पर चंद्रमुखी का कमरा भी है। दादा दादी ही ऐसी बातों से डरते हैं, हम क्यों डरें? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब चलो भी। ठीक है, नहीं आना चाहती तो मत आओ। रुको रुको, वो तुम्हारे घर के लोग कहाँ हैं? सब प्रिया का रिश्ता लेकर विश्वनाथ के घर गए हैं, कोई नहीं है महल में। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुंदरता या स्टेटस देखकर मैंने प्रिया को चाहा ऐसा नहीं है, बचपन में ही माँ पिताजी के गुजर जाने की वजह से अकेला रहा, आपके जैसी जॉइंट फैमिली से जुड़ने की इच्छा है, इसीलिए मुझे आपकी बेटी अच्छी लगती है। कितने अच्छे विचार हैं इसके, मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया। ए, तुम्हें भी आया ना? रुको, हम सिर्फ लड़का देखने आए हैं, बाकी चीजों के लिए अच्छा समय देखेंगे। दीदी, यही सबसे अच्छा समय है, अभी रिश्ता पक्का कर देते हैं। मैं अपनी बेटी की सगाई किसी छोटे से घर में नहीं बल्कि शानदार महल में शान से करूंगी। खैर दीदी, आपने हाँ कर दिया, मुझे इसी बात की खुशी है। अगले महीने की 16 तारीख अच्छा दिन है, आपकी इच्छा से सगाई उसी दिन रखेंगे। करीब 150 साल पहले यहाँ एक महापूजा करके चंद्रमुखी की आत्मा को यही कहीं बंद कर दिया गया था। तुम भी इसे सच मानती हो? मानती हूँ। इस कमरे में शायद बहुत से कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए हैं और वो सब किसी के हाथ न लग जाए इसलिए ऐसी कहानियां गढ़ी हैं। मुझे अगर इस कमरे की चाबी मिल जाए तो मैं अभी ये बात साबित कर दूंगी। इस कमरे की चाबी तो नहीं है, वो गुम हो चुकी है, लेकिन इस कमरे की चाबी की छाप एक बूढ़े लोहार के पास है शायद। मेरे दादाजी ने एक बार मुझसे ये कहा था। जल्दी से हमें उस लोहार से चाबी बनवानी चाहिए। तुम इस घर की मालकिन हो, तुम ही उससे बोलना। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ कि लोहार से चाबी बनते ही तुम्हारे पास ले आऊँ। तो अभी चलो ना। गंगा, 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 क्या? ये लो, चंद्रमुखी के कमरे की चाबी। We'll be right back.
देखो तुम वो कमरा मैं खोला हूँ। हाँ क्यों? चाबी बनाने वाला वो गांव का लोहार, हाँ वो खून की उल्टी करके मर गया। गांव के लोहार का ये हाल है, तो मैं तो उसे लेकर तुम्हारे पास आई थी। मेरा क्या होगा, मैं भी मरूंगी। चाबी बनाने वाला लोहार 2400 घंटे शराब पीता था। इतना ज्यादा पीने वाला इंसान चाबी बनाता तो भी मरता और नहीं बनाता तो भी। वो लोहार कोई चाबी बनाने से नहीं मरा। इस बात को मन में रखकर टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। जब चंद्रमुखी के कमरे की सिर्फ चाबी बनाने की वजह से वो लोहार मर गया, तो वहां जाने पर गंगा को क्यों कुछ नहीं हुआ? वही तो, आप सब देखना, उस लोहार के मरने की असली वजह डेथ बाय लीवर सिरोसिस ही डिक्लेयर होगी। मेरी बातें तो आप लोगों को मजाक लगेंगी, पर देखते जाओ अब आगे इस घर में क्या क्या होता है। काली सूली होली होली, क्या तुम मारवाड़ी पंडित हो? स्वामी, भूत को थोड़ा प्यार और इज्जत से बुलाइए स्वामी, कहीं ऐसा ना हो वो हमारे ही गले पड़ जाए प्रभु। Come on.
सुनील सुनील कोई दरवाजा खटखटा रहा है। क्या हुआ इतनी रात को आप सब यहाँ? वो पता नहीं ये काम करने वाली को कुछ हो गया है, चलकर देखिए। क्या हुआ इसे, इसने क्या देखा? बस घुंघरू पहनकर भूत जैसा कोई साया भाग रहा था, उस भूत को देखकर ये जोर से डर गई। वो देखा नॉन। क्या हुआ ये देखो, ये कैसे टूट गया? ये अपने आप गिरकर टूट गया। अपने आप? आप लोगों को यहाँ काम पर किसने रखा? बड़ी मालकिन से कहकर दुर्गा ने हमें यहाँ काम पर रखवाया है। दुर्गा ने? देखो ये भूत पिशाच सब कल्पना होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, इन पर यकीन नहीं करना चाहिए। कहां से आ रही हो तुम इस वक्त? कोई आवाज सुनी इसलिए। ठीक है सब लोग जाओ यहां से। हेलो, मैं सुनील बोल रहा हूँ, डॉक्टर अरविंद आ गए क्या? देखिए मैं सातवीं बार फोन कर रहा हूँ। क्या आप उन्हें ढूंढिए ना, जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो यहाँ पर थे, उनके जाते ही परेशानियां शुरू हो गई हैं। किसी भी तरह उन्हें ढूंढ कर खबर दीजिए कि यहाँ पर उनकी सख्त जरूरत है, प्लीज। क्या भाग कैसे लग सकती है? कुछ नहीं जानते। शांत हो जाओ, शांत। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। कौन है? कौन है वहाँ? अरविंद आए। सुनील, सुनील हाँ, ये केस तो गया, बहुत वॉयलेंट है, बाहर क्यों छोड़ रखा है? बांध कर रखना था। बांध कर रखना था, वो भी अंदर, कौन है ये? अरे मामा जी भूल गए क्या, ये मेरा दोस्त है अरविंद। डॉक्टर है ये? हाँ। आखिर ये सब क्या है, इस घर में हर किसी को देखकर डर लगता है, कौन कब क्या करेगा कुछ खबर ही नहीं। गया तो था पैंट शर्ट में, आया है पगड़ी बांध कर, तो पहचानूंगा कैसे? अरे ये क्या? कुछ नहीं, बस एक बटन। ये क्या भेस बना रखा है तुमने, और कहाँ थे तुम, कितना फोन किया तुम्हें? सुनील जब तुम फोन कर रहे थे तब मैं वैष्णो देवी में था, मुंबई उतरते ही मुझे पता चला और फिर वहां से उड़कर मैं सीधा यहाँ। इन्हीं को प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ, बहुत टेंशन में रहते हैं। प्रॉब्लम इनको नहीं है। हाँ। अच्छा तो ये फिर से आ गया, छह दिन रहकर इसने मेरी जिंदगी उथल पुथल कर दी थी, अब पता नहीं कितने दिन रहेगा। फिक्र मत कीजिए, ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, हर किसी को करेक्ट करके ही जाऊंगा। करेक्ट क्या? करेक्ट। अभी तक तो अच्छी है, पर आगे कुछ हुआ तो वो मैं देख लूंगा महेश। तुम देखोगे, अंदर जाओ, अंदर जाओ। गेटअप चेंज करने से इंसान का कैरेक्टर चेंज नहीं हो जाता। इसकी जिंदगी में भी बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इस घर में किसी को नहीं है, माली की जो पोती है ना दुर्गा, प्रॉब्लम उसे है। माली की पोती दुर्गा को? हाँ, वो तुम्हारी आज्ञाकारी पत्नी गंगा अभी कहाँ है? गंगा, गंगा, गंगा कहाँ चली गई? गंगा, गंगा, गंगा। Yeah!
इस रूम से बंद होने के बाद तो इसमें हवा तक नहीं जाती। चलो तैयार, 1 2 3। प्रिया प्रिया, प्रिया प्रिया बेटी क्या हुआ था? मैं ऊपर कमरे में गई थी, वहां कोई मुझे पकड़ने आ रहा था, उसे बचने के लिए मैं भागती रही और फिर मैं पीछे ऊपर आखिरी कमरे में पहुंच गई जहां डर के मारे मैं छुप गई और कोई आया और दरवाजा बंद करके चला गया। लेकिन तुम वहां गई क्यों थी? मैं गंगा को ढूंढने गई थी। गंगा ऊपर है, तुम्हें किसने बताया? दुर्गा ने। दुर्गा ने? उसने तो देखा था मैं नहाने जा रही हूँ, उसने ऐसा क्यों कहा? अरविंद यही हो रहा है यहां, आखिर कौन कर रहा है ये सब और उसे क्या हासिल हो रहा है इससे? समझ नहीं आ रहा, तुम्हें समझ आ रहा है? सुनील, जिस वक्त तुमने इस महल को खरीदने का फैसला किया उस वक्त इस महल पर लिखी हुई एक खास किताब को पढ़ने का ख्याल आया मुझे। लाइब्रेरी जाकर मैंने वो किताब ढूंढी और उसे पढ़ा। उस किताब से मुझे काफी जानकारी मिली, मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस महल में डरने जैसी कोई चीज नहीं है और इसलिए तुम्हारे फैसले से इनकार नहीं किया, हामी भर दी मैंने। जब मैं इस महल में आया तो हर किसी का विश्वास हासिल करने के लिए भूत से डरने का नाटक भी किया। रात को सबके सो जाने के बाद मैं ऊपर भी गया लेकिन चंद्रमुखी के कमरे के बाहर से ही लौट आया। उस दरवाजे पर बहुत सारे ताबीज बंधे हुए थे और इसीलिए मैंने दरवाजा खोलना ठीक नहीं समझा। उस कमरे के बाहर डर जैसी कोई बात नहीं थी इसलिए ईमेल आते ही मैं यहां से चला गया। लेकिन चंद्रमुखी के कमरे का दरवाजा जब भी खुलेगा अंदर की सारी परेशानी बाहर आ जाएगी। क्या बोल रहे हो? जब भी मुसीबत आए अरविंद पर भरोसा करो। सुनील बेटे से पहले ही कहा था कि ये घर मत खरीदो मत रहो, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। रोज रोज इस घर की परेशानियां बढ़ती जा रही है, हर कोई तुम पर ही शक कर रहा है। इन परेशानियों को दूर करना सिर्फ अरविंद जी के हाथ में है, इसलिए सुनील बाबू ने उन्हें बुलाया है। दरगाह। दरगाह। दरगाह नहीं, दुर्गा। रुको थोड़ा तुम थोड़ा हम अपना है ये वादा, धीरे धीरे आएंगे हम पास तेरे ओ राजा। रुको थोड़ा तुम थोड़ा हम अपना है ये वादा, धीरे धीरे आएंगे हम पास तेरे ओ राजा। तुझ में तुझ पे बड़े मीठे मीठे से हैं तेरे बोल।
शोर तू ही दिल की है आस पास तुझ मेरे हम इस तरह से खो गए हाँ माला में जैसे हरदम फूलों के संग धागा तुम इस घर के अंदर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा चलो यहां से निकलो बाहर निकलो निकलो जाओ कौन है चंद्रमुखी आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आई क्योंकि तुम नहीं आई तो तुम्हें ढूंढने में खुद चला आया मैं जानती हूँ तुम कौन हो चलो उठो उठो बोलो क्या चाहिए बस देख रहा था घर पर हो या नहीं रात के समय घर में नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी अच्छा बाकी लोग ठीक ठाक है ना एक बात कहूँ मुझे बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए लेकिन दादाजी की गैरहाजिरी में नहीं आना चाहिए हम सुबह बात करेंगे ठीक है तो अब जाओ 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 भी जा रहा हूं क्या हुआ डॉक्टर यहाँ क्यों सोए हो कल रात यहीं सो गए थे क्या
रात को गीत संगीत सुनते सुनते देर हो गई तो यहीं आकर सो गया। गीत संगीत? कैसा गीत संगीत? हाँ वही कर्नाटक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ये बताओ डांस सीखता है कोई ऊपर? नहीं तो, कोई नहीं सीखता। दुर्गा जिन बच्चों को म्यूजिक सिखाती है वो तो दिन में आते हैं, रात को डांस कौन करेगा? तो फिर रात में कौन गा रहा था ऊपर के कमरे में, और साथ ही घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही थी? घुंघरू की आवाज? हाँ घुंघरू। अरविंद क्या तुमने वाकई सुना था? इन दोनों गानों से सुना था। हाँ जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पता चला कि दरवाजा तो अंदर से बंद था। बंद था? हो ही नहीं सकता। उस रूम को खोलने के बाद मैंने आज तक बंद नहीं किया। एक बात और भी है, उस कमरे में कोई नहीं जाता। ये बात है। और तो फिर जो नाचने की आवाज सुनी, गाने की आवाज सुनी, वो सब एक भ्रम था। ठीक है, कॉफी वापस आकर पीता हूँ। पहले ऊपर चलकर देखते हैं ऊपर है क्या। अरे नहीं, वहां नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि घर में सबका मानना है कि मैं उस रूम में गई और तकलीफें शुरू हो गई। लेकिन आज तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो चलो, डरो मत, चलो 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 चलो। बोला था ना दरवाजा खुला है। हाँ दरवाजा तो खुला है, चलो। हाँ तो यही है वेटियन राजा का कमरा। रईस था, अय्याश किस्म का राजा था, पैसे का बहुत घमंड था शायद। ये कौन है? हाँ ये है वेटियन राजा। बहुत ही क्रूर मालूम पड़ता है ये तो। ये बताओ उसका कमरा किधर है? किसका? वही इसकी, उस आइटम का। चंद्रमुखी हाँ। चलो दिखाती हूँ। अरे साफ है। आ जाओ। यही है चंद्रमुखी का कमरा। तो ये है चंद्रमुखी। राजा ने इसकी हत्या करके कोई गलती नहीं की। ऐसा क्यों कह रहे हो? वाह 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 वाह। जरा इसकी आंखों की चमक देखो, इसकी अदा देखो, वाकई खूबसूरत है। ऐसी खूबसूरती किसी और के लिए कोई कैसे छोड़ सकता है भला। हाँ क्या तुमने उस डांसर गजानन का घर देखा है? कौन गजानन? ओ इसका वो दोस्त। आओ तुम्हें दिखाती हूँ। वो देखो वही घर है। ओहो तो इसी जगह से गाकर बुलाती होगी चंद्रमुखी गजानन को। रा 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 प्रीतम माजा। चलो चंद्रमुखी के गहने और ड्रेस दिखाती हूँ तुम्हें। अरे बाप रे कितना भारी है ये बक्सा। ये देखो चंद्रमुखी के कपड़े। आओ उसके गहने दिखाती हूँ। ये कमरबंद, गले का हार, ये माथे का टीका, और ये घुंघरू। अरे घुंघरू, ये तो एक ही है, दूसरा घुंघरू कहाँ गया? हेलो मैडम। हाँ? क्यों परेशान होती हो, यहीं कहीं होगा। ओहो इतनी अच्छी कॉफी बनाई है तुमने, ठंडी हो रही होगी, पीते हैं चल के। हाँ? चलो चलो। उस दिन देखा था तो दोनों घुंघरू यहीं थे, अभी कहाँ गया? मुझे काला बहुत पसंद है। हाँ, ये तो मेरी पत्नी है। इसका मतलब तुम्हें तुम्हारा पति बहुत पसंद है। हाँ? डॉक्टर की आवाज। वैसे वो थोड़े नादान है लेकिन फिर भी मुझे पसंद है। ये आवाज को क्या हुआ? अब मैं निशाना लगाऊंगा। लगाएगा, लगा के तो देख। अब इस बार तुम खोलो। क्या कहा? अब तुम खोलो, जब तक मैं जिंदा हूँ ऐसा नहीं होगा डॉक्टर। गोटियां खोली क्या? कैरम बोर्ड। तो आपने क्या सोचा? क्या सोचा? इस घर की औरतों को इससे बचाना इस घर के मर्दों का काम बन गया है। ऊपर से मेरी घरवाली तो ओवरटाइम काम कर रही है, क्या करूं मैं? करना पड़ता है ओवरटाइम। तुम्हें या तो हैंडसम होना था या इतनी सुंदर बीवी नहीं लानी थी। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो मैं तुम्हारे बारे में कुछ कह नहीं सकता, ना ही कुछ सोच सकता हूँ, अब ऐसे कैसे मैं दे सकता हूँ। महेश जी, बोलिए जी, सुनाऊं वो किस्सा? नहीं माफ कर मेरे भाई। अरे उठो, चल निकल निकल। गंगा गंगा। क्या बात है सुंदर, क्या चाहिए? दीदी सुबह से साइट पे बहुत काम था, सर दर्द हो रहा है, गंगा से कॉफी लाने के लिए। तो गंगा की क्या जरूरत है, मैं लाती हूँ। थैंक यू। अरे बाबा डॉक्टर ने ऐसा यहाँ क्या किया कि दीवाने हो गए सभी, पता नहीं क्या जादू करता है सब पे। गांव की गोरी, आज किसी भी तरह इसे निपटाना होगा। किसके लिए कॉफी बना रही हो? सुंदर के लिए। ये किसी और के हाथों भिजवा दो।
पता नहीं सुबह से ये गुंगा कहाँ चला गया। तुम ऊपर से एक बीपी की गोली ले आओ। लाती हूँ मैं। दुर्गा, दुर्गा वहाँ कॉफी रखी है, जाकर सुंदर को दे दो। जी। लाल रानी पहले गई पर पीछे वो काला सिपाही, ये ठीक नहीं है। स्वर्णा चुप। यहाँ कॉफी किसने बनाई? दुर्गा। किसके लिए? शायद सुनील के लिए होगी। सुनील, वो कॉफी मत पीना। क्या बात है दोस्त, कॉफी क्यों गिरा दी? इस कॉफी में जहर मिला है। जहर मिला है? Hey, कॉफी तुम लेकर आई थी ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम? लक्ष्मी माँ ने मुझे कॉफी देने को कहा था। कॉफी मैंने ही बनाई थी, लेकिन उसमें जहर कहाँ से आया नहीं जानती। अच्छा डॉक्टर, कॉफी में जहर मिला है ये तुम्हें कैसे पता चला? ए लड़की, उस दिन गंगा की साड़ी जला दी तुमने और आज सुंदर बेटे को जहर देने जा रही थी तुम्हें। इसे छोड़ दीजिए, एक बात सब ध्यान से सुन लीजिए, कॉफी में जहर मिलाकर या ऐसी कोई और हरकत करके मेरे दोस्त और उसकी पत्नी को अगर कुछ भी करना चाहा तो अरविंद के होते वो नामुमकिन होगा। कुंदन प्रसाद जी, इस कॉफी में जिस किसी ने भी जहर मिलाया है उसकी अब खैर नहीं। चलो सुनील, अब जहर मिलाने वाले की खैर नहीं, चलो काम करो अपना। चलो चलो। हेलो, कौन है? क्या कहा? चक्कुलम से रामचंद्र आचार्य आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सब इंतजाम कर दूंगा। ठीक है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, अपसेट हो? नहीं नहीं ऐसा सुनील बेटा, तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। अब डर की कोई बात नहीं, रामचंद्र आचार्य हमारे घर पर आ रहे हैं। मामा वो कौन है? तुम उन्हें नहीं जानते, पूरी दुनिया घूम चुके हैं वो। दुनिया में किसी को भी भूत की परेशानी हो वो ठीक कर देते हैं, ऐसे महान इंसान है वो। ये अगर इंसानों के दिमाग को पढ़ सकते हैं तो वो भूत प्रेत को वश में कर सकते हैं। सुनील बेटा, जब मैंने उन्हें घर की सारी परेशानियां बताई तो जानते हो वो तुरंत आने को तैयार हो गए। कल सवेरे ही वो यहाँ पहुंच रहे हैं, मुझे तैयारी करनी है, मैं चलता हूँ। अब ये सब करने का क्या मतलब है? हमसे कहेंगे कि पूजा करो, यज्ञ करवाओ और अच्छा खासा खर्चा करवा देंगे। छी 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 छी, पैसा वेस्ट और टाइम भी वेस्ट। मैं ये सब एनकरेज नहीं करता, मैं तो उसे बाहर से भगा दूंगा। नो 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 नो, दूसरों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। इस रामचंद्र आचार्य के बारे में काफी सुना है मैंने, वो साधारण इंसान नहीं है, आने दो, एक बार मिलने में कोई बुराई नहीं है। लेट हिम कम। स्वामी जी जाओ। यहां एक मुसीबत है। कुर्सी को पूरब की ओर रखो। बैठिए स्वामी जी, बैठिए, लगता है भगवान आ गए। ध्यान से सुनो। कहिए स्वामी जी। मुझे यहां 7 दिन ठहरना पड़ेगा। इन 7 दिनों की मेरी जरूरतों का ख्याल सिर्फ मेरे शिष्य रखेंगे। मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा। ठीक है। और एक खास बात, अगले 7 दिन इस घर से कोई भी बाहर नहीं जाएगा।
ये मेरा दोस्त है अरविंद। ये साइकेट्रिस्ट है, इसको दूसरा कोई नहीं मिला तो इस घर की परेशानियों को दूर करने के लिए इसे अमेरिका से बुलाया है। स्वामी जी, ये सब करने की क्या जरूरत है? यहाँ चंद्रमुखी नाम की एक कन्या है, किसी तरह गेट पास देकर उसे यहाँ से बाहर करिए। मेरा कमरा कहाँ है? आइए दिखाता हूँ। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे बुलाने पर यहाँ पर आया हूँ। तुमने वादा किया है कि इस घर की परेशानी दूर होते ही तुम यहाँ से चले जाओगे, ना कि वापस आकर स्वर्णा के साथ खेलोगे। वैसे तुम्हारी चाहत पूरी होने वाली भी नहीं है, क्योंकि अगले हफ्ते मैं उसका मुंडन करवाने वाला हूँ। ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? मुझे भी कंघी करनी है, मेरे बाल भी बिगड़े हैं, ये भी तो तेरे जैसे हैं। मैं उतर के कंघी करूंगा, कंघी है मेरे पास, खुद बनाऊंगा और बिगाड़ूंगा। ₹30 लाख की कार है, तुझे क्या सलून लग रहा है नालायक बेवकूफ? वो कंघी कर रहा था तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार? ये कहाँ चला गया, क्या हुआ, ये कौन सी जगह है, क्या करूं? भिखारियों जैसा कौन? कहाँ चले गए थे? अरे वो डॉक्टर, मैं कितनी देर तक वहां रेलवे क्रॉसिंग पर अकेला खड़ा रहा। पहले तो जबरदस्ती अपने साथ लेके आए, फिर मुझे रास्ते में अकेला छोड़ दिया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरी घरवाली का क्या होता? नीचे क्या देख रहे हो, इधर उधर क्या देखते हो, जवाब दो। ओ, रुको रुको रुको, ये क्या किया? एक ने रास्ते में छोड़ा, दूसरे ने कीचड़ उछाल दिया। नहीं बैठूंगा तो मैं इसी गांव में रहूंगा। ठीक है, आता हूँ, दादागिरी करता है। चलो अब यहां से। ड्राइंग कर रहे हो? हाँ बस, ड्राइंग की कमाई से अपनी तिजोरी भरते जा रहे हो। अरे ये कैसे गिर गया? नाटक क्यों करती है? खुद गिराया है तुमने और बता रहे हैं कि कुछ नहीं पता? यकीन कीजिए, मेरा नहीं गिराया मैंने। तुम्हारे सिवाय ऊपर कोई भी नहीं था, अगर तुमने नहीं गिराया तो अपने आप गिर गया। hey, तुम्हें इस घर में आने से मना किया था मैंने, उसके बाद भी तुम वहाँ क्या कर रही थी ऊपर? कॉफी नीचे गिर गई थी, बड़ी माँ ने कहा कि उसे साफ कर दो। सच कह रही हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानती। क्या नहीं जानती, क्या नहीं जानती? हाँ, नो नो नो, ये बात अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब इसे ये तक नहीं पता कि वो वहां से कैसे गिरा तो इसका मतलब ये अपने होश में नहीं है, इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। चलो अब चलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सांप को मारने की कोशिश नहीं की। दुर्गा बेटा, ये सब क्या है? मेरी पोती ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए साहब। बेटा
सिर्फ इसलिए कि हम गरीब हैं आप मेरी पोती पर इल्जाम लगा रहे हैं। मेरी पोती पर अगर ऐसा इल्जाम लग गया तो फिर उससे शादी कौन करेगा? साहब साहब मेरी बात सुनिए साहब, साहब खिड़की खोलिए साहब। ये घुंघरू किसका है? ये यहां पर कैसे आया? सच कह रही हूं, नहीं जानती ये घुंघरू किसका है। घर को साफ करते समय मैंने देखा कि ये नीचे गिरा था, इसे उठाकर यहां रख दिया, सिर्फ इतना ही। दुर्गा, दुर्गा! साहब, दुर्गा को क्या हुआ? आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं साहब? क्या हुआ उसे? नो टेंशन, नथिंग टू वरी। दुर्गा को छोटा सा ट्रीटमेंट दिया है, वो आराम कर रही है, उसे डिस्टर्ब मत करना। आपकी पोती को कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना। वो कांच गिर गया था या गिराया गया था? गंगा, यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? क्या हुआ? दुर्गा की मुसीबत देखकर तरस आ रहा है मुझे। क्यों? ना मैंने उसे चंद्रमुखी के कमरे की चाबी बनवा कर लाने को कहा होता, ना वो इस तरह की किसी मुसीबत में फंसती। मैंने तो मन्नत मांगी है, सब ठीक हो जाए तो देवी को चढ़ावा चढ़ाने जरूर जाऊंगी। हाँ गंगा, बताना भूल गया, उस दिन चंद्रमुखी के कमरे में तुमने जो कहा था कि घुंघरू गायब है, हाँ वो घुंघरू ढूंढ लिया है। कहाँ था वो? दुर्गा के यहाँ था। जानती थी, यही तो है चंद्रमुखी का घुंघरू। तो तुम्हें यकीन है कि 150 साल पहले जो घुंघरू चंद्रमुखी ने पहना था वो यही है ना? बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। मैं ठीक कह रहा हूँ, ये वो वाला नहीं है। ऐसा नहीं है डॉक्टर, ये वही है। देखो, मुझे इस बात का यकीन है कि ये वो घुंघरू नहीं है। अरविंद, मुझसे कोई होशियारी कर रहे हो क्या? कौन होशियारी कर रहा है, इसका तो आसानी से प्रूफ भी मिल जाएगा। गंगा, इस घुंघरू के बारे में कुछ नहीं जानती हो तुम। क्या? मैं नहीं जानती। ओके, कूल डाउन। इतना टेंशन क्यों ले रही हो? इसके लिए हम दोनों क्यों लड़े? ओके, ये घुंघरू चंद्रमुखी का है। गंगा, हे गंगा, क्या बात है, मुझे जवाब दिए बगैर जा रही है? तुम दोनों का झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, बस दुर्गा के लिए अपसेट है। दुर्गा के लिए? कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आओ। कौन है? मैं हूं, वेटेयन।
तुम्हारा बेटे अब। द्वार खोलो। बहुत बेसब्र हो। द्वार खोलो। दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारे कमरे में चले आए। ए, चंद्रमुखी, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी मृत्यु, हम तुम्हें मार डालेंगे। हम तुम्हें मारने आए हैं। ये संभव नहीं है। अवश्य संभव है, हमारा ये निर्णय इसे संभव कराएगा। तो फिर मारो, आओ मार डालो मुझे। आज नहीं, दुर्गाष्टमी के दिन। उस दिन हम तुम्हें मारने नहीं आए तो हमारा नाम चंद्रमुखी नहीं। अगले दुर्गाष्टमी के दिन ही ना, तो फिर अभी क्यों आई हो? अभी भागो, दुर्गाष्टमी को आना। भागो यहाँ से, भागो। जाते हैं हम। क्या क्या हुआ स्वामी जी? मेरी कोशिश में किसी ने विघ्न डाला। चंद्रमुखी को इस चक्र में लाना चाहता था मैं, किसी ने उसकी दिशा मोड़ दी है। ये कहां से आ गया बीच में टांगा? ये क्या किया? अरे ये क्या किया? ये तुमने गलत किया। नहीं, ये सही किया है मैंने। देखिए डॉक्टर, हमारे यकीन को झुठलाने की कोशिश मत कीजिए। ये सब दवा दारू से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ से भगाने वाला भूत है। अच्छा। अरे 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 अरे, मरीजों को ठीक करने वाले इस डॉक्टर को इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। ये बात सुनील क्यों नहीं समझ पा रहा? अब मैं क्या करूं? क्या कर रहे हैं भैया? जुकाम हो गया है, भाप ले रहा हूँ। जुकाम बहुत बुरी बीमारी, खाओ तो 7 दिन में जाएगी, अगर दवा नहीं खाओ तो 1 हफ्ते में जाएगी। भाभी रुको रुको रुको, क्या आपने मेरी पत्नी को कहीं देखा है? नहीं देखा। पता नहीं कहाँ चली गई। ये क्या, तुम्हें भी जुकाम हो गया? 2 दिनों से। ओहो, ये एक सुपर दवा है। आओ बहन, हम दोनों मिलकर भाप लेंगे। आओ भैया। भैया भैया, क्या आपने स्वर्णा को देखा है? मेरे देखने के बाद ही तो तुमने उसे देखा था। ये क्या कह रहे हैं? अरे थू, बेवकूफ गधा, रिश्ते के लिए जब गए थे तो तुम्हारे देखने से पहले मैंने उसे देखा था। बच गया। सांस अटक रही है, मुझे मत दबाइए। ये तो मेरी पत्नी की आवाज है। पैर अंदर कर लो, हवा बिल्कुल अंदर नहीं आनी चाहिए। ठीक है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? इससे पहले मैं मर क्यों नहीं गया? आज चादर ओढ़कर कैरम खेल रहे हैं, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। पसीना आ रहा है। पसीना तो आएगा ही। अच्छा, तुम्हारे पति को इस बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, क्या? वो बिल्कुल बेवकूफ है। करेक्ट कहा तुमने। कुछ भी कहो, डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है। मैं तो इसमें एक्सपर्ट हूँ। ये कितनी देर में खत्म होगा? क्या मजा आया, ऐसा 7 दिन तक करना पड़ेगा। अब जाकर अच्छा लग रहा है। सुपर पावर वाला। पावर वाला? अरे पावर वाला तो भूत से भी ज्यादा भयानक है। नमस्ते स्वामी जी। इस 16 तारीख को बेटी की सगाई है और फिर इसी 20 तारीख को शादी भी है। पहला कार्ड आपको दे रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए। शादी के पहले घर की परेशानी ठीक तो हो जाएगी ना स्वामी जी? चिंता मत करो, अब 2 दिनों में तुम्हारे घर की परेशानी दूर हो जाएगी। ठीक है स्वामी जी। ये क्या दीदी, सगाई पर आने से आपने मना क्यों कर दिया? अगर मैं नहीं आई तो क्या तुम मंगनी रोक दोगी? क्या हुआ दीदी, 16 तारीख को अच्छा दिन है, आप ही ने तो कहा था। आप तो ये रस्म धूमधाम से करना चाहती थी, अब मना कर रही हूँ, रोक दो। क्या है दीदी, पसंद नहीं था तो उसी दिन कहना था ना, अब सारी तैयारियां होने के बाद इसे मैं कैसे रोकूं? तुम्हारी बेटी की शादी उसके प्रेमी से मेरे कहने से होनी चाहिए थी, ना कि उस डॉक्टर के। मैं नहीं आऊंगी जी। वो बसेरे बसेरे बेटी का घर बसेरे,
सीता के मन मंदिरवा में फूल खिले। माँ ये बोले तू सदा खुश रहे बेटी, कोई दुख राह में तेरी न आए कभी। यूं ही सदा तेरे होठों पे खिलती रहे हंसी। माँ ये बोले मेरी बन्नों की आरती उतारो सभी, इसे नजर न लगे कभी। अरे 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 सच बोलता ओ, ओ, तेरा गाना आ, आ, जिसने सुना वो रहे झूम झूम झूमता वो करे वा वा वा। मेरा तो ये दिल बोले बार बार हाँ। शर्त मिला लगा पैसे, शर्त मिला लगा पैसे, शर्त मिला लगा पैसे, शर्त मिला। बोलता ओ ओ तेरा गाना आ आ जिसने सुना की कोई झूठी जी। प्यारी बन्नोरी तेरा मेरा प्यार होगा ना कल कभी। तुझको खुशियाँ मिले रात दिन, मांगे दुआएं मांगे दिल। अरे ना शर्मायू, अरे ना शर्मायू। मैं तेरी खातिर कुछ भी करूं, अरे नहीं फिकर नहीं फिकर, कभी फिकर फिकर न करिया। बोलता ओ ओ तेरा गाना आ आ किसने सुना। गंगा, गंगा,
करूंगा। सोच क्या रहे हो? गंगा कहाँ है? बाहर ढूंढते हैं। कहीं नजर नहीं आ रही। गंगा, गंगा, गंगा। वो देखो। ए, छोड़। छोड़ बनाई तुझे मैं। रास्कल। गंगा बेहोश हो गई है, पहले उसको देखो, जाओ। गंगा, गंगा, गंगा। सर मैं कुछ नहीं जानता सर, उन्होंने उन्होंने किया जो कुछ किया सर। मैंने कुछ भी नहीं किया, आप मेरा यकीन कीजिए प्लीज, उन्होंने ही मेरा हाथ पकड़ा। विश्वनाथ, मैं जानता हूं तुम्हारी गलती नहीं है। यहां क्या कर रहा है तू? मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करके अब क्या यहां पर ड्रामा करने आया? चल निकल जा। सुनील, मेरी बात सुन। इसकी बात पर यकीन मत करो।
इतनी बड़ी गलती करके ये फिर से यहाँ आया है और तुम कहते हो मैं इसे छोड़ दूँ? चल निकल जाए यहाँ से। सर सुनिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया। तो क्या मेरी पत्नी ने तुम्हारे साथ किया? तेरी तो सुनी। तुम गलत सोच रहे हो, विश्वनाथ की इसमें कोई गलती नहीं है। क्या बोल रहे हो? गंगा ने इसे बुलाया था। गंगा पीछे पड़ी थी इसके? गंगा को अब इससे प्यार हो गया है? देखो कुछ मत कहो, शांत रहो तुम। तो गंगा तुम्हें गलत दिख रही है अब? मेरी 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 पत्नी पर इल्जाम लगा रहे हो तुम? बात तो ये है कि दूल्हा ये ढूंढ कर लाया है ना, इसलिए तुम्हारी पत्नी पर गलत इल्जाम लगाकर इसे सही बता रहा है। नहीं देखिए बस बात मेरे दोस्त कि... बस इसके आगे कुछ मत बोलना तुम। सुनिए बस करो करो। एक बड़ा डॉक्टर समझकर इज्जत दी तुम्हें। काहे का डॉक्टर? ये डॉक्टर ये हमें बेवकूफ बनाने आया है, इसे मारकर घर से बाहर निकालो। बस दो दिनों में इस घर की समस्याएं सुलझाकर यहाँ से खुद चला जाऊंगा। तू क्या सुलझाएगा? अपनी परेशानी खुद सुलझा सकते हैं हम, ठीक है? जो कह रहा हूँ सुनिए तो। निकल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। बहुत मस्ती कर ली घर की औरतों के साथ, डॉक्टर के नाम पर मजे उड़ाता है। तुम्हारे बारे में तुम्हारे दोस्त को बहुत देर से जानकारी हुई। देखिए जो कह रहा हूँ सुनील, ये सब गलत हो रहा है। हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मिस्टर कुंदन प्रसाद निकल, निकल यहाँ से। साहब मेरी पोती पर इस आदमी ने गलत इल्जाम लगाकर कमरे में बंद कर दिया था, तुरंत बाहर निकालिए इसे। देखिए सर निकल यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए आप, बस दो दिन बर्दाश्त कीजिए, इस घर की सारी समस्याएं सुलझा दूंगा मैं। परा आया सुलझाने वाला, सुलझाने के लिए मैंने रामचंद्राचार्य को इस घर में लाकर रखा हुआ है। चल निकल यहाँ से, निकल निकल। ये तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, इतने महान इंसान को बाहर निकाल रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो। स्वामी जी वो हमारी बेटी पर ही। खामोश रहो, नहीं तुम कुछ मत कहो। सब जानता हूं मैं, इनका इस घर में रहना मेरे रहने से भी ज्यादा जरूरी है। खून को पोछिए, अच्छे इंसान का खून गिरना नहीं चाहिए। यहां जो हो रहा है ये पूजा से नहीं बल्कि इनके मनोवैज्ञानिक तरीके से ही हो पाएगा। उस दिन जब मैंने यहां पूजा की तब ये ऊपर से नीचे आ रहे थे और इनके चेहरे पर मेरी पूजा में विघ्न डालने का पश्चाताप नहीं बल्कि कुछ हासिल करने की खुशी थी। इनकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर गजब का तेज था, तब मैं सब समझ गया। इसलिए बाद में मैंने इनसे अकेले में पूछा कि ऊपर क्या हुआ। इन्होंने जो कुछ भी बताया वो सुनकर मैं सिहर गया। रामायण के रावण के एक नहीं 10 सिर हैं, लेकिन इनके तो एक ही सिर में 10 दिमाग हैं। ये साधारण मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नहीं, अमेरिका में पढ़ाई की है और गोल्ड मेडल भी लिया है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक ब्रैडली के पहले शिष्य यही है। ऐसे महान आदमी को यहां से बाहर निकालने की गलती कर रहे हो, इतनी बेइज्जती कर रहे थे और इसके बावजूद भी ये रुक कर साथ दे रहे हैं। छोड़िए मुझे बोलने दो तुम, क्योंकि इसने तुम्हारी पत्नी पर इल्जाम लगाया इस वजह से इसे निकाल रहे हो। तुम्हारी पत्नी की जान बचाने के लिए इसने अपनी जान की बाजी लगाई है। और क्या तुम लोग ये जानते हो? क्या गंगा के जीवन के लिए अरविंद को मरना होगा, यही है विधि। मेरी बातों पर शायद यकीन ना हो, अरविंद जो तुमने मुझे बताया वो इन्हें भी बताओ। जी जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनने के लिए दिल कड़ा कर लो। यहां जो कुछ हो रहा है उसका कारण दुर्गा नहीं है और ना ही घर के बाहर का कोई और इंसान है। नहीं, चंद्रमुखी के वश में जो है कोई और नहीं, तुम्हारी ही गंगा है। जब तुमने मुझे फोन करके यहां बुलाया था तो कहा था कि इस घर की सारी परेशानियों की वजह दुर्गा है, लेकिन मैं जिस दिन आया उसी दिन समझ गया कि दुर्गा और यहां होने वाली घटनाओं में कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जब रात को करीब 12 बजे के बाद चंद्रमुखी के कमरे से किसी के घुंघरू पहनकर नाचने की आवाज सुनी तो मैं वहां गया, पर मेरे जाते ही आवाज
और तब मैंने ये जानने की कोशिश की कि ये सब कौन कर रहा है। इस दौरान एक दिन जब मैं तुम्हारी पत्नी गंगा को चंद्रमुखी के कमरे में लेकर गया तो पहली बार गंगा के चेहरे के बदलते हुए भाव को मैंने देखा। ये कमर बंद। अब तक मैंने गंगा को इस रूप में कभी नहीं देखा था। वो एक साइकिक वाइब्रेशन के प्रभाव में थी और उसी वक्त मैं समझ गया कि चंद्रमुखी के प्रभाव में कोई और नहीं, गंगा ही है। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए ही मैंने गंगा को चंद्रमुखी का घुंघरू दिखाते हुए झूठ बोला और कहा कि यह चंद्रमुखी का घुंघरू हो ही नहीं सकता। गंगा, तुम इस घुंघरू के बारे में कुछ नहीं जानती। उस वक्त मैंने देखा कि गंगा किस तरह चंद्रमुखी के रूप में बदलती है। गंगा, तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। जानती हूँ। इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हाँ सुनील, गंगा चंद्रमुखी में बदल जाती है, यही है उसकी असली बीमारी। 20 साल की ये लड़की 60 साल की एक बूढ़ी औरत की तरह बोलती है, वैसे ही जैसे 5 साल का एक बच्चा अपने दादा की नकल करता है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी, यानी एक ही शख्स एक दूसरा व्यक्तित्व भी जीता है, ए पोजिशन स्टेट। गंगा इसी बीमारी का शिकार है। ये जानने के लिए कि हंसने खेलने वाली गंगा को यह बीमारी कैसे हुई, मैं तुम्हारे छोटे मामा को लेकर गंगा के गांव एल्लूर गया। आप लोग गंगा के एक चेहरे को पहचानते हैं, पर उस चेहरे का उससे हटकर एक दूसरा पहलू और भी है, ये मैंने उसके गांव जाकर जाना। गंगा के पिता ने एक दूसरी जाति की लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए उनकी अपनी ही जात वालों ने उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। गंगा के पिता की जब मृत्यु हुई तो भी गांव वालों ने उनके शव को गांव में जलाने की इजाजत नहीं दी। उनकी शर्त थी कि अगर गंगा की माँ पंचायत में मौजूद हर आदमी के पैर छूकर माफी मांगेगी तभी उसे इजाजत मिलेगी। गंगा की माँ ने यह सजा भुगत तो ली, पर इस बेइज्जती ने उनकी जान ले ली। इतने पर भी जब गांव वालों को संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने दोनों शवों पर पेट्रोल डालकर जला दिया। यह बेइज्जती गंगा की नजरों के सामने ही हुई थी। गुस्से में गंगा ने जमींदार के कपड़े फाड़ डाले और बेहोश हो गई। यह बेइज्जती उसका पहला सदमा था, हर फर्स्ट साइकिक डिसऑर्डर। बचपन में ही अनाथ हो चुकी गंगा को उसकी नानी ने अपने साथ रखने का फैसला किया। माता पिता को खो देने के बाद गंगा नानी की कहानियां सुनकर बड़ी हुई। जब वो कहानी सुनती तो खुद को उस कहानी का पात्र समझने लगती। उसके अंदर इस तरह की भावना बचपन से ही थी, ये बात मुझे गांव के लोगों ने बताई। जब गंगा की 10वीं की परीक्षा थी तो उस वक्त उसकी नानी बीमार पड़ गई। उन्हीं के बारे में सोचते रहने की वजह से वो पढ़ नहीं पाई, पढ़ाई नहीं की, उसे नींद नहीं आई और वो रात भर चलती रही। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आंसर शीट्स को फेंक देने वाली गंगा को आज तक उसकी क्लास टीचर भुला नहीं पाई। उसकी बीमारी के बारे में उसकी नानी को कुछ पता नहीं था। इस बारे में उनको कुछ पता चलता है इसके पहले उनकी मौत हो गई। नानी की मौत के बाद गंगा ने अकेलेपन से बचने के लिए मौज मस्ती का रास्ता अपना लिया। उसने बचपन में जो कहानियां सुनी थी उनके पात्र उसके मन की गहराइयों में बस गए थे और इसीलिए उसने इस महल को खरीदने पर इतना जोर दिया। उसके बाद गंगा अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई और वो जल्द ही चंद्रमुखी के कमरे के अंदर पहुंच गई और वहीं पहली बार गंगा चंद्रमुखी से परिचित हुई। चंद्रमुखी के प्रभाव में गंगा चंद्रमुखी का रूप लेने लगी। गंगा चंद्रमुखी की तरह खड़ी हुई। गंगा चंद्रमुखी की तरह नृत्य की मुद्रा में आई। गंगा चंद्रमुखी का रूप ले चुकी थी। अब तक चंद्रमुखी और गंगा एक हो चुके थे। मैंने कभी अपनी पत्नी में इस तरह के बदलाव नहीं देखे। चंद्रमुखी में बदलने वाली गंगा को तुम्हारे सोने और जागने के बारे में सब कुछ पता है। उस पर कोई शक ना करे इसलिए उसने खुद अपनी साड़ी को चलाया और सबका ध्यान दुर्गा की तरफ मोड़ दिया। उस दिन प्रिया को कमरे में बंद करने वाली गंगा थी, कॉफी में पॉइजन मिलाने वाली गंगा थी, फिश टैंक गिराकर तुम्हें मारने की कोशिश करने वाली गंगा थी और अब इस पर गलत इल्जाम लगाने वाली भी तुम्हारी गंगा ही है। क्यों क्यों क्यों? सुनील, गंगा जब चंद्रमुखी का रूप लेती है तो अपने प्रेमी गुण शिखरण की झलक उसे सामने के घर में रहने वाले विश्वनाथ में नजर आती है। उसने उस दिन प्रिया को मारने की कोशिश की विश्वनाथ पर इल्जाम लगाकर। वो इन दोनों की मंगनी तोड़वाना चाहती थी, इसलिए कल उसने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया ताकि इनकी मंगनी टूट जाए। ठीक है लेकिन
वो मुझे क्यों मारना चाहती है? गंगा जब चंद्रमुखी बनती है तो उसके प्रेमी गुणशेखरन यानी इस विश्वनाथ को हासिल करने में कौन उसकी राह में आ सकता है? गंगा का पति सुनील। इसलिए तो तुम्हारी हत्या करने की उसने दो बार कोशिश की। जब फिश टैंक गिरा था तो घर के सारे लोग कितने ज्यादा परेशान थे, लेकिन गंगा को मैंने बिना किसी टेंशन के आते देखा। फिर एक पल में ही मैंने गंगा को चंद्रमुखी में बदलते देखा। उसे होश में लाने के लिए ही मैं जोर से चिल्लाया। दुर्गा को वहां से उसके कमरे में ले गया और वहां उसे गंगा की सारी सच्चाई बता दी। गंगा की परेशानी जानकर दुर्गा गंगा के सारे इल्जाम अपने सिर पर लेने के लिए तैयार हो गई और उसी वक्त उसने इल्जाम अपने सिर ले लिया। गंगा स्वतंत्र होकर संतुष्ट होकर घूमने लगी। चंद्रमुखी बनने के पीछे उसका लक्ष्य क्या है, ये जानने के लिए आचार्य जी की परवाह ना करते हुए मैं खुद राजा बनकर खड़ा हो गया। जिस वक्त मैं उसके सामने राजा बनकर खड़ा था, उसी क्षण उसने विश्वास कर लिया कि मैं ही वेट्टियन राजा हूं। उसने खुद मुझसे कहा कि इस दुर्गाष्टमी के दिन राजा को मारना ही उसका लक्ष्य है। चंद्रमुखी का यह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो हमें गंगा कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब इस दुर्गाष्टमी के दिन वो तुम्हें मारने वाली है? यस। क्योंकि जिसे वो वेट्टियन राजा समझ रही है वो ये है, अगर चंद्रमुखी का ये लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो वो अपने आप को मिटा देगी और तब मरने वाली चंद्रमुखी नहीं हमारी गंगा होगी। अब इस खतरनाक खेल में गंगा जिंदा रहेगी या मैं शहीद हो जाऊंगा ये नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि चंद्रमुखी नाम का एक कैरेक्टर उसके शरीर में आता जाता रहता है। उस बेचारी को इसका अंदाजा नहीं। अरविंद, दरवाजा खोलो। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? वो दुर्गा ने किया होगा। दुर्गा, ये देखिए किसी ने मेरी साड़ी फाड़ दी। यह भी दुर्गा का ही काम होगा। अच्छा बताओ कल का डांस कैसा था? क्या कह रहे हैं डॉक्टर, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे तो नींद आ गई थी बस। अरे विश्वनाथ, तुम कब आए? किसी ने कॉफी दी या नहीं? नहीं। घर के दामाद को कॉफी देने वाला कोई नहीं। रुको मैं लेकर आती हूँ। देखा गंगा को कुछ याद नहीं कि क्या हुआ। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? अरविंद, मैंने तो तुम्हें मारना चाहा और तुम अपने दोस्त के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो। आज के जमाने में ऐसे लोग कहाँ हैं? ऐसे लोग कहाँ हैं जो दोस्त के एक छोटे से एहसान के बदले अपनी जान तक निछावर कर दे? तुम्हारी दोस्ती पर मैं बहुत फख्र महसूस कर रही हूँ। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझ जैसी घमंडी स्वार्थी औरत की आंखें खोल दी। मैं तुम्हारे सामने अपना सिर झुकाती हूं। मुझे माफ कर दो अरविंद, अपनी कोख से तो किसी को जन्म नहीं दे पाई। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हारे जैसा ही होता। मैंने बहुत से मनोवैज्ञानिक मरीजों को ठीक किया है, लेकिन आज तक इस तरह का केस कभी भी नहीं देखा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम चंद्रमुखी से कैसे बचोगे, सोचकर ही मैं डर जाता हूँ। मैं मनोवैज्ञानिक तरीके से गंगा को चंद्रमुखी से अलग कर सकता हूँ, पर चंद्रमुखी को पूरी तरह से मिटाने की शक्ति आपकी पूजा में ही है। दया करके आप गंगा के लिए पूजा कीजिए। जरूर करूंगा। आज दुर्गाष्टमी है, चंद्रमुखी राजा से बदला लेने के लिए तैयार होगी। चंद्रमुखी का लक्ष्य पूरा होने वाला दिन गंगा को पूरी तरह से तुम्हारी बीवी के रूप में तुम्हें सौंपने का दिन है। रात भर गंगा आराम से सो रही थी ना, अब उसे जाकर कहो कि आज रात यहां नहीं ठहरेंगे, चेन्नई जाकर प्रिया के गहने खरीदने, ये कहकर उसे चलने को कहो। ऐसा क्यों? कहो। एक
एक बार कोशिश करो। गंगा चलो आज तुमको चेन्नई घुमा लाऊं। क्यों? वहां से हम प्रिया का प्रेजेंट खरीदकर कल वापस आ जाएंगे। आज ही? हाँ अभी। लेकिन क्यों आज ही? कल यहाँ पर हमारी जरूरत होगी इसलिए आज ही जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। तुम चलो। नहीं जाऊंगी ना। तुम चलो, मैं कह रहा हूँ तुमसे। हम नहीं जाएंगे, कहा ना नहीं जाएंगे। क्या इतना साहस? इतनी देर से हमारी बात नहीं सुनकर क्या चाहते हो मृत्यु? हमारी एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर हमने बदला नहीं लिया तो हमारा नाम भी चंद्रमुखी नहीं। गंगा कुछ किया नहीं, कुछ नहीं, मैंने जरूर कुछ किया। कुछ नहीं किया, जरूर कुछ किया मैंने। शांत हो जाओ गंगा, तुम मेरी बीवी हो। माफ कर दीजिए, सजा तो नहीं देंगे ना? नहीं डरो मत, कुछ नहीं होगा। मुझे सजा तो नहीं देंगे ना? माफ कर दीजिए। नहीं गंगा, मुझे घर से मत निकाल देना प्लीज। आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं गंगा, माफ कर दीजिए। शांत हो जाओ, तुम तुम्हें कुछ नहीं होगा। गंगा बस करो अरविंद, बस करो, इस घर से चले जाओ मेहरबानी करके। ऐसी हालत में मैं अपनी पत्नी को नहीं देख सकता। वो तुमसे बदला लेने को तड़प रही है, तुम मारे जाओगे। प्लीज यहां से चले जाओ तुम। मैं चला जाऊंगा तो गंगा ठीक हो जाएगी? हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। अमेरिका, चाइना, जापान, दुनिया में कहीं भी उसका इलाज करवाऊंगा, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके लिए मेरा दोस्त अपनी जान दे दे, ये मैं नहीं सह पाऊंगा। सुनील, मैं एक डॉक्टर हूं, अपनी जान की खातिर अगर पेशेंट को छोड़कर भाग जाऊं तो मेरी पढ़ाई वेस्ट है। देखो सुनील, गंगा को तुम किसी भी शहर या दुनिया के किसी भी कोने में ले जाओ, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। गंगा को अगर कोई इस दुनिया में ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं। फिक्र मत करो सुनील, चंद्रमुखी से गंगा को बचाने के लिए साइकोसिस का एक नया तरीका अपनाने वाला हूं। उस तरीके से मैं गंगा को जरूर बचा लूंगा। गंगा को तुम जरूर बचा लोगे ये मैं जानता हूं, लेकिन अरविंद, चंद्रमुखी से तुम्हें कौन बचाएगा? सर, आपने मुझे किस लिए बुलाया? सर बताता हूं, सुनील तुम भी आओ। चलो ये वेटियन राजा का दरबार है, यहीं पर उसने आज से कई साल पहले चंद्रमुखी को जिंदा चलाया था। वहां रामचंद्र आचार्य ने पूजा के लिए जो चक्र बनाया है, हमें गंगा को उसमें लाकर बिठाना है। विश्वनाथ, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं।
पत्नी को देखो जो पूरी तरह चंद्रमुखी बनी हुई है। रात को वो ऐसे ही नाचती है। इस मुक्तेश जालो
सुनील, याद है मैंने क्या कहा था तुम्हें? बी स्ट्रॉन्ग, विजय हमारी है। कौन हो? नहीं बताएंगे। बोल, कौन है तू? कहाना नहीं बताएंगे। हमारा नाम चंद्रमुखी। जाकर उस चक्र में बैठो, जाओ। क्यों आए हो तुम? मृत्यु की चाहत में। किसकी? उसकी। बैठ जाओ। आज है दुर्गाष्टमी, ये बदला लेने का दिन है हमारा, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। उसे मारने के बाद क्या तुम इस शरीर को छोड़ दोगी? चली जाऊंगी। हे, उसके ऊपर तेल डालो। गीलो, खुद के हाथों से उसे जलाकर राख कर डालो। परिवार को मिला दिया। वैसे तो ये कहता नहीं, कहता है तो पूरा करता है।
देखो सुनील, मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हारी पत्नी को पूरी तरह से ठीक कर दिया है। अब चाहो तो अपने बेडरूम को चंद्रमुखी के रूम में शिफ्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दोनों अमेरिका जापान कहीं भी जा सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए नहीं तो फिर डुएट गाने। बोलो तो जरूर गाएंगे, तुम्हारे साथ गाने वाली का बारी है। हाँ बोलो। हाँ, मैंने भी एक लड़की पसंद की है। क्या? क्या? वो फॉलो में आ जाओ। ये सीटी किस लिए? मेरी वाली के लिए। हाँ दुर्गा। वाह भगवान, मेरी बीवी तो बच गई। क्या हुआ? कितने दिनों के बाद इस घर में बच्चे की आवाज सुनाई देगी। देवर देवरे ये हमारा देवा, सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा देवा, ये अपने संग है संग, हम पे इन्हीं का रंग, देखो चढ़ा है रे चढ़ा।